Yes, students, we are here again with the next topic that is federal and unitary. ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते ही आपके माइंड में आया होगा कि ये क्या टॉपिक है, फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होती है ना. ये क्वेश्चंस माइंड में आए कि व्हाट इज द फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट. सो लेट्स डिस्कस इट. टू नो अबाउट दीज गवर्नमेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बेटा. तो इनके बारे में जानने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ दीज गवर्नमेंट. फर्स्टली हेयर इज फेडरल गवर्नमेंट, एंड इन फेडरल गवर्नमेंट द फर्स्ट फीचर इज ड्यूल गवर्नमेंट. ड्यूल गवर्नमेंट मतलब टू टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर. ठीक है, टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है यहाँ पर. ओके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करती है. स्टेट गवर्नमेंट डू देयर वर्क इन देयर ऑन एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में वर्क करती है अपनी स्टेट को डेवलप करने के लिए. ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है. ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट है ड्यूल गवर्नमेंट, के यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होती हैं. सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इन फेडरल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिटन, हमेशा रिटन होता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग पावर्स. पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होता है, रिजिड, डिफिकल्ट टू चेंज. ठीक है, इसमें अमेंडमेंट बहुत मुश्किल से होती है. द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ पावर्स. पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड यूनियन और सेंटर. पावर्स हमेशा स्टेट की और यूनियन की रिटर्न में डिवाइड कर दी जाती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इन वर्क ये वर्क कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स पे वर्क कर सकती है. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ये भी यहाँ पर होता है. ओके, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बड़ा कोई लॉ या कोई पर्सन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ रिटर्न है उसी को माना जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, जो डिसीजन लेती है वो इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स वो किसी के इम्पैक्ट में, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है. ठीक है, इट टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर रिसोर्सफुल पर्सन के इम्पैक्ट के बिना ही वो हर तरह के डिसीजंस लेते हैं. नेक्स्ट, बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर है उसमें टू हाउसेस हैं. ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल वी हैव लोकसभा राज्यसभा. ओके, और स्टेट लेवल में हमारे पास है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक, तो ये टू लेजिस्लेचर होते हैं हमारे पास, बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर होता है. ठीक है, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. क्लियर हो गए. नाउ यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट होती है, यानी कि सिर्फ सेंटर में ही गवर्नमेंट होगी. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ही होगी यहाँ पर, कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं होगी. स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, सिंगल गवर्नमेंट होगी. और कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न हो भी सकता है या नहीं हो सकता, डजेंट मैटर. अगर रिटर्न नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रिटर्न नहीं है तो. ओके, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है, जो सेंटर ने बोल दिया वो हर पर्सन को मानना पड़ेगा. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट में,
क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, इट मीन्स वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एनी टाइम. किंग अपने अकॉर्डिंग या जो प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चेंज कर सकती है. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नो डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं स्टेट में और सेंटर में. ठीक है, क्योंकि स्टेट में तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, अगर वो गवर्नमेंट है भी तो वो यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है. तो सारी पावर्स किसके पास होती हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी चेंज कर सकता है, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव रीड दैट. तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सबसे बड़ा नहीं होता, उससे भी बड़े वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में हैं. द पर्सन्स दोज आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट वो उससे बड़े होते हैं क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है. ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, सारी पावर्स यूनियन के हाथ में है. ठीक है, पावर्स इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास है सारी पावर्स. तो जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, उनको भी यूनियन गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, तो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो. और यहाँ पर यूनिकैमेरियल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही लेजिस्लेचर होता है, एक ही पार्ट होता है पार्लियामेंट का. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, टू पार्ट्स हैं, तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही सिस्टम होता है. ओके,